हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं टैरिफ और नॉन टैरिफ के बीच में। एक दो वीडियो पहले हमने एक टैरिफ वैल्यू और टैरिफ के बारे में और कोटा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कोटा नॉन टैरिफ बैरियर्स का ही एक एग्जांपल है। किसका है? नॉन टैरिफ बैरियर्स का ही एक पार्ट है कोटा। डन, तो थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं। वैसे तो लगभग सेम ही मिलेंगे आपको, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं कि टैरिफ वैल्यूज और नॉन टैरिफ वैल्यूज में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली बात देखो, मैंने कहा लगभग सेम ही मिलेगा, कोटा जैसा ही क्वेश्चन है ये। डन, स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो टैरिफ वैल्यूज में डेफिनेशन लिखी हुई है, इट रेफर्स टू द ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये किसकी बात कर रहा है? ये वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस की बात कर रहा है जिसे इम्पोज करती है, लेवी करता है। कौन करता है? लेवी, गवर्नमेंट, ठीक है। इट रेफर्स टू द ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टैरिफ बैरियर्स मैंने पहले बताया था, वो टैक्सेस होते हैं, वो ड्यूटीज होता है जिसे गवर्नमेंट इम्पोज करती है। डन, क्यों? ऑन द गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो आप गुड्स अब्रॉड यानी बाहर का फॉरेन कंट्री से इम्पोर्ट करते हो उसके ऊपर ये लगाया जाता है। जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? ये क्वांटिटेटिव होता है। वहां पे पढ़ाता हमने कि दीज आर वेरियस क्वांटिटेटिव एक्सचेंज कंट्रोल, दीज आर वेरियस क्वांटिटेटिव एक्सचेंज कंट्रोल, क्वांटिटेटिव एंड एक्सचेंज कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस होती है सिर्फ ये, जो कि इम्पोज की जाती है ताकि हम इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। क्या कर सकें? इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सके। तो दीज आर वेरियस क्वांटिटेटिव एंड एक्सचेंज कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस है। ये क्या था? ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस है जो गवर्नमेंट ने लेवी लगाई है, लेवी की है, इम्पोज करी है। किस पे? गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। और ये क्या है? ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है, एक्सचेंज कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, ताकि हम इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सके। उसके बाद इसमें बोला फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो मैंने पहले बताया था ये फ्लेक्सिबल नहीं है, आपका टैरिफ वैरियस फ्लेक्सिबल नहीं होता है। और ये जो है आपका क्या है? मोर फ्लेक्सिबल है। क्या है? मोर फ्लेक्सिबल। रिवेन्यू की बात करें तो टैरिफ वैरियस ड्यूटीज एंड टैक्सेस है जो कि गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट को इससे क्या मिलने वाला है? यूज रिवेन्यू मिलने वाला है। यूज रिवेन्यू में काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में रिवेन्यू यहाँ पे गवर्नमेंट को रिसीव होता है। बट इसकी अगर बात करें तो गवर्नमेंट को कोई रिवेन्यू रिसीव नहीं होता, नो रिवेन्यू रिसीव, गवर्नमेंट रिसीव नो रिवेन्यू, गवर्नमेंट को कोई भी रिवेन्यू नॉन टैरिफ से नहीं होता। डन, उसके अलावा इफेक्ट्स ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये इनडायरेक्टली इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है, इंपोर्ट के ऊपर इफेक्ट डालती है। डन, तो ये इनडायरेक्टली इंपोर्ट को अफेक्ट करती है, ये क्या करती है? इंपोर्ट को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। क्या करती है? डायरेक्टली। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स क्वांटिटेटिव और एक्सचेंज कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन है जो कि इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लगाई जाती है। ये फ्लेक्सिबल होती है, गवर्नमेंट को उससे कोई रिवेन्यू नहीं मिलता है, ये इंपोर्टर्स का होता है, मैंने आपको पहले बताया था। और ये रिस्ट्रिक्ट करता है इंपोर्ट को डायरेक्टली, ये रिस्ट्रिक्ट करता है इंपोर्ट को इनडायरेक्टली, इसे गवर्नमेंट को रिसीव होता है रिवेन्यू। ये नॉट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं है इसकी तरह। बट और ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस है जो कि गवर्नमेंट लगाती है ताकि अगर आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो अब्रॉड से तो उसके ऊपर कुछ लगाम लगाई जा सके। तो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन में देखते हैं, इसमें बोला टैरिफ आर सिंपल टू ऑपरेट, यानी इसको ऑपरेट करना काफी आसान है, ठीक है, टैरिफ को ऑपरेट करना काफी आसान है, बट इसको ऑपरेट करने में दिक्कत काफी है। क्यों है? समझते हैं। टैरिफ को ऑपरेट करना इसलिए आसान है क्योंकि अगर एक बार इसका रेट फिक्स हो जाए, रेट वंस फिक्स्ड थ्रू लेजिस्लेशन रिक्वायर नो इंडिविजुअल एलोकेशन ऑफ लाइसेंसिंग कोटास और एक्सचेंज। अगर एक बार ये इम्पोस्ट यानी एक बार ये लेवी हो जाता है, एक बार इसका रेट फिक्स होकर के लग जाता है, तो फिर इंडिविजुअल इसको एलोकेट करना कि किसके पास कितना होना चाहिए, किस किस अथॉरिटी के पास ऐसा जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं है। एक बार आपने रेट फिक्स कर दिया, गवर्नमेंट उसके ऊपर सीधा रेट लगाएगी और उससे रिवेन्यू जनरेट अपना जो है वो करेगी। डन, तो ये सिंपल टू ऑपरेट है। डन, बट यहाँ पे अगर हम बात करें नॉन टैरिफ बैरियर्स में तो नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है इसमें काफी सारी अथॉरिटीज जो है, ठीक है, मेजर्स ऑफ अथॉरिटीज आर देयर टू एडमिनिस्टर, यानी इसको चलाने के लिए काफी सारी अथॉरिटीज है जिसके कारण ये कहते हैं कि इट मे रिजल्ट, इसके कारण पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है या करप्शन हो सकती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करप्शन में क्या है, इसमें गड़बड़ी के होने के ज्यादा चांसेस होते हैं और ड्रामेबाजी ज्यादा होती है क्योंकि बहुत सारे बैठे हुए हैं, ठीक है, करप्शन होने के चांसेस आपके क्या ज्यादा है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ये सिंपल टू ऑपरेट है, ये नॉट सिंपल टू ऑपरेट, ये सिंपल नहीं है ऑपरेट करना। यहाँ पे नंबर ऑफ अथॉरिटीज आपके सामने मिलेगी, बट यहाँ पे अगर हम बात करें एक ही है, गवर्नमेंट ने इम्पोज किया, वो रेट आपका लग जाएगा, देन काम खत्म। टैक्स की अगर बात करें, एग्जाम्पल बोले
एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें हमने बोला इम्पोर्ट ड्यूटीज हो गया, यानी इम्पोर्ट टैक्स जो लगा रहे हैं, और स्पेसिफिक ड्यूटीज हो गई, और भी बहुत सारे काफी सारे यहाँ पे हमारे पास नाम है। तो टैरिफ में हमने दो नाम लिया, इम्पोर्ट ड्यूटीज और स्पेसिफिक ड्यूटीज है, डन। और भी ऐसी ड्यूटीज होती है जो ऐसे जो रियल एस्टेट या जो स्पेसिफिक इन पे लगती है, प्रोटेक्टिव या प्रोएक्टिव बेसिस पे भी लगता है, प्रोटेक्टिव बेसिस पे भी लगता है, वो भी देखना होता है, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स के बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया प्रोटेक्टिव ड्यूटीज भी इसमें लगती है, इसके अंदर इम्पोर्ट ड्यूटीज हो गया, स्पेसिफिक ड्यूटीज हो गया, प्रोटेक्टिव ड्यूटीज हो गया, ठीक है। रियल एस्टेट गुड्स पे भी इसमें ड्यूटीज यहाँ लगाई जाती है। नॉन टैरिफ बैरियर्स की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स में हमने वही जो हमने पिछले कुछ क्लास पहले पढ़ा था कोटा के बारे में, तो इम्पोर्ट कोटा यहाँ पे आता है और इम्पोर्ट लाइसेंसिंग यहाँ पे आता है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट को ध्यान देना, एग्जाम्पल में इम्पोर्ट ड्यूटीज और स्पेसिफिक ड्यूटीज मैंने यहाँ लिखा है, प्रोटेक्टिव ड्यूटीज भी आप चाहो तो लिख सकते हो, प्रोटेक्टिव ड्यूटीज भी इसी का ही आता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव ड्यूटीज भी यहाँ पे आप ले सकते हो, और यहाँ पे क्या है, इम्पोर्ट लाइसेंसिंग हो गया, इम्पोर्ट कोटाज हो गया, ठीक है, या और भी फॉर्मेलिटीज होती है वो यहाँ पे आ जाती है, डन। तो ये आपका डिफरेंस जो है टैरिफ और नॉन टैरिफ के बीच में खत्म होता है, और एक नए डिफरेंस की ओर आगे बढ़ते हैं जिसमें हम एक नया टॉपिक उठाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।